आपकी आवाज। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक टीवी लाइव और मैं हूं आपके साथ विजयलक्ष्मी। अनंता हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा धूमिल करने का प्रयास। राजसमंद जिले के देलवाड़ा तहसील के अनंता हॉस्पिटल की प्रतिष्ठा को यहीं पर उपचारत एक मरीज जगदीश पॉलीवाल जो कि कोरोना वायरस से ग्रसित था। हमारी प्रारंभिक जांच में पाया गया कि जगदीश पॉलीवाल को दिनांक 30 अप्रैल 2021 को अनंता में भर्ती कराया गया था। उपचार के अंतिम 5 दिनों में उन्हें वेंटिलेटर पर रखा गया, उसके बाद भी उनकी स्थिति बिगड़ती रही, फिर उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। मृतक के शरीर को पीपीई किट में पैक कर उनके परिवार को सुपुर्द किया गया। ग्रामीण एवं परिवार जब दाह संस्कार करने गए तब पीपीई किट पर खून के दाग दिखाई दिए, जिससे जिज्ञासावश परिवार जनों एवं ग्रामीणों ने पीपीई किट खोल दिया। नाक से निकला हुआ खून जो कि आंख व कान के पास जमा था को देखकर ग्रामीण व परिवार जन भड़क गए तथा कमर के नीचे के भाग पर मरीज को दवाई दी जाती थी उस सेंट्रल लाइन पर लगी पट्टी को देखकर परिवार जन एवं ग्रामीण आपस में उलझ गए। आनंद फानंद ने वहां पर कुछ लोगों ने सोशल मीडिया पर यह खबर प्रचारित कर दी, जिसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के कुछ चैनलों ने जांच रिपोर्ट आने से पहले ही टीआरपी और ब्रेकिंग न्यूज के चक्कर में बिना तथ्य को जांचे जल्दबाजी में न्यूज का प्रसारण कर दिया। इंडिया आज तक टीवी लाइव चैनल की टीम ने मावली तहसील के साकरोदा गाँव पहुंचकर मृतक के परिवार जनों एवं ग्रामीणों से साक्षात्कार किया। उधर अनंता हॉस्पिटल के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर डॉक्टर नितिन शर्मा ने इन लोगों के खिलाफ 5 करोड़ रुपए का मानहानि का मुकदमा तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 384, 499, 500, 120 एवं आईटी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कराया है। आज हम आए हैं मावली के साकरोदा ग्राम में, जहां पर जो कल घटनाक्रम हुआ था, बॉडी के अंदर से जो पार्ट्स निकाल लिए गए थे, ऐसी बात सुनने में आई थी मीडिया के साथियों के माध्यम से। हम जानना चाहेंगे उन्हीं के सगे भाई से कि क्या घटनाक्रम हुआ था। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। क्या घटनाक्रम हुआ था सर? तो उनकी थोड़ी तबीयत खराब थी, हमने नादर हॉस्पिटल में बताया, एक बार सुनील उपाध्याय साहब घर पर, तो उन्होंने थोड़ा सा 2 पॉइंट बताया, बोला गोली दवाई दी, इलाज किया, 3 दिन घर पर रहा, फिर उसकी सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम हो गई, तो फिर अनंता हॉस्पिटल में ले गए, ऑक्सीजन दिया, फिर कोविड वार्ड में भर्ती किया, 3 दिन यहाँ रखा। कितनी तारीख को अनंता हॉस्पिटल में एडमिट कराया? 30 तारीख। अच्छा, 30 तारीख को एडमिट कराया। उसके बाद वेंटिलेटर पे कितने दिन के लिए रखा उन्हें? 3-4 दिन रखा था उनको। 3-4 दिन के लिए वेंटिलेटर पे रखा। टोटल कितना खर्चा आ गया उनके इलाज में? 2,45,000। और नादवारा के जो चिकित्सालय में आपने भर्ती कराया था गवर्नमेंट, उसमें कितना खर्चा आया? घर पे इलाज किया सर। अच्छा, वहाँ पर घर पे ही इलाज किया था। तो आगे की जो घटनाक्रम हुई, जो वापस से आपने पोस्टमार्टम के लिए ले गए, वो किनके कहने पर गए थे आप? गांव वालों ने माना, गांव वालों ने बोला नहीं, एक बार पोस्टमार्टम कराओ, फोन आ रहा है, जो इसलिए गांव वालों ने कहने पर हम गए थे, पापा जी देते ले जाते सकता हो, इसलिए आपको में से फोन आया था मुझे। अच्छा, तो अभी प्रशासनिक, अभी फिर चिकित्सालय की रिपोर्ट वगैरह कुछ आई क्या? सर रिपोर्ट बोला पुलिस वालों को ही देंगे। अच्छा, यानी कि रिपोर्ट दोपहर तक आएगी आज। और आप क्या कहना चाहेंगे चैनल के माध्यम से? बता के बॉडी पैक करते तो ठीक है, तो हम देख लेते हैं, मतलब शंका नहीं रहती। गांव वालों ने बोला नहीं, एक बार पापा चेक कराओ, फोन आ रहा है, इसलिए पापा उधर भी लेके गए थे, मतलब फोन आ रहा था, गिला गिला लग रहा था, हमने इसलिए चेक किया। तो आपने पीपीपी किट को खोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी आपको? हमारा भगवान की गले में रहती है, इसलिए पापा दूसरे को पहनाया जाता है, पापा इसलिए खोलने के लिए खोला, तो देखा तो गिला गिला लग रहा था, फिर देखा तो बॉडी खोल के देखा, वो तो हाथों में हाथों पर खून था, इसलिए हमें गांव वालों ने शंका किया, बोले नहीं एक बार पापा चेकअप करा दो, इसलिए लगे को लेके गए थे। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पर आने के लिए। अनंता अस्पताल ने उन सभी लोगों पर कानूनी कार्रवाई आरंभ कर दी है जिन्होंने जानबूझकर इस कोरोना महामारी में अपनी पूरी क्षमता से कोरोना पीड़ितों का इलाज कर रहे अनंता अस्पताल को बदनाम करने की साजिश रची। दिनांक 12 मई को साकरोदा निवासी जगदीश पालीवाल की इलाज के दौरान कोरोना से मृत्यु हो गई थी। कोरोना प्रोटोकॉल के तहत मृतक की बॉडी पैक करके परिजनों को सुपुर्द कर दी गई थी। परिजनों ने अपनी मनमर्जी से उस बॉडी पैक को खोला और बदनाम करने की साजिश के तहत अस्पताल पर आँख और किडनी निकालने का सनसनीखेज आरोप लगा दिया। साथ ही षड्यंत्रपूर्वक इसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और प्रिंट मीडिया के माध्यम से अस्पताल की गरिमा को धूमिल करने के आशय से जानबूझकर मीडिया का दुरुपयोग कर झूठी न्यूज प्रकाशित एवं प्रसारित करवाई। कोरोना समर्पित अस्पताल होने के नाते उनके डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ समेत सभी कार्यकर्ता संपूर्ण रूप से समर्पित होकर दिन रात मरीजों की सेवा में लगे हुए हैं। ऐसे समय जबकि कोरोना महामारी अपने विकराल रूप ले रही है,
ऐसे आरोप लगाकर निम्न व्यक्तियों ने उन लोगों के मनोबल को हतोत्साहित करने का प्रयास किया है जिन पर आज अनंता सोसाइटी की बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय किया गया है कि अस्पताल को ऐसे लोगों पर कठोर कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। इसी के तहत थाना देलवाड़ा में आपराधिक प्रकरण भारतीय दंड संख्या 384/499/500/120 BA IT एक्ट के तहत रीना पत्नी जगदीश पालीवाल निवासी साकरोदा, नीलेश पालीवाल पुत्र नारायण पालीवाल निवासी साकरोदा, मृतक के भाणेज राकेश पालीवाल, मृतक के मित्र सुजनील पालीवाल, मृतक के मामा कैलाश पालीवाल और मृतक के साले रोशनलाल पालीवाल के खिलाफ दर्ज कराया गया है। साथ ही कोरोना बॉडी पैक को खोलकर सबकी जान जोखिम में डालने एवं महामारी अधिनियम का उल्लंघन करने का प्रयास करने पर एक और प्रकरण मावली थाने में दर्ज कराया गया है। परिजनों द्वारा किए गए कृत्य को अस्पताल की छवि धूमिल हुई है, इसलिए अनंता प्रशासन ने समस्त लोगों पर 5 करोड़ रुपये का मानहानि का दावा एडीजे कोर्ट नादवाना में दर्ज कराया है। मेरी समस्त लोगों से अपील है कि वर्तमान परिस्थितियों में अस्पताल कर्मियों का मनोबल बढ़ाएं, उनका मनोबल नहीं गिराएं। धन्यवाद।